बरेली में कथित तौर पर कांवड़ियों पर लाठीचार्ज का मामला अब बड़ा मुद्दा बन गया है। दरअसल बरेली के बरादरी इलाके में कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ लोग उग्र हो गए। आरोप है कि भीड़ में कुछ लोग शराब पीकर घुस आए और जबरदस्ती मुस्लिम बाहुल इलाके से कांवड़ यात्रा ले जाने की बात पर अड़ गए। पुलिस ने जब मना किया तो बवाल काटने लगे, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए भीड़ पर काबू पाया और कई लोगों को डिटेन किया। लेकिन घटना के महज 4 घंटे के भीतर SSP प्रभाकर चौधरी का तबादला हो गया और उन्हें 32वीं वाहिनी PAC में सेना नायक बना दिया गया। उनके तबादले के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स हाथ में अवैध हथियार लेकर भीड़ में लहरा रहा है। इतना ही नहीं, वीडियो के साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि वो फायरिंग भी कर रहा है। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए बल प्रयोग किया भी तो उसमें ऐसी कौन सी आफत आ गई कि महज 4 घंटे के बाद IPS का तबादला करना पड़ा। IPS प्रभाकर चौधरी के ट्रांसफर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए सवाल उठाया। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा, जो कानून व्यवस्था की बात करेगा भ्रष्ट भाजपा का राज उसको बर्खास्त करेगा। बता दें कि बरेली की इस घटना के बाद SSP प्रभाकर चौधरी ने अपने बयान में कहा था कि कुछ लोग जबरदस्ती मुस्लिम बाहुल इलाके से कांवड़ यात्रा निकालना चाहते थे। जब उन्हें रोका गया तो कुछ असामाजिक तत्व शराब पीकर हुड़दंगई करने लगे, जिसके बाद हल्का बल प्रयोग किया गया। ये सुबह से यहाँ पे समझाया जा रहा था कि गैर परंपरागत है ये जुलूस, इसको ना निकाला जाए क्योंकि आगे जो है वो दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है और एक ईगो का लोगों ने माहौल बना लिया। फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे और अंत में दूसरे पक्ष से हम लोगों ने सहमति भी बना ली इनके कहने पे। और जब फिर दोबारा बात करने आए तो कुछ खुराफाती लोग उसमें आकर के शामिल हो गए, ऐसी भी आशंका कि 2-4 लोग उसमें दारू पी के आ गए और फिर ये ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे और ये लगा कि इससे शांति भंग हो सकती है और ये गैर परंपरागत तरीके से अगर निकलेगा तो फिर आगे के लिए भी और भी समस्याएं आएंगी। काफ़ी समझाया गया, लगभग 4 घंटे लोग नहीं माने। उसके बाद फिर ये एग्रेसिव होने लगे, पीछे DJ करके बहुत ही अभद्रता और सारी चीज़ें करना शुरू कर दिए और उसमें जो है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि इनके पास कुछ अवैध वेपन भी थे, कट्टा भी था किसी के पास, ऐसी सूचना मिली। उसके बाद ये निर्णय लिया गया और इन पर हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया। हम इसमें कठोर धाराओं में मुकदमा लिख रहे हैं कि गैर परंपरागत तरीके से माहौल को ख़राब करने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया है। अभी सारे जगहों पर शांति है, हमारी पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है और जो भी लोग इसमें हैं, जो लोग इस तरह का प्रयास किए, सारे लोगों के CCTV फुटेज और वीडियोज़ हमारे पास हैं, कैमरे लगे हुए हैं, चिन्हित करके सभी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों की नहीं, अभी 1-2 लोग शायद डिटेन किए गए हैं, हम पहचान रहे हैं, पहचान में है क्योंकि हम लोगों के सामने की बात है। इसमें सारे लोगों की अरेस्टिंग की जाएगी और तगड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। आगे सोमवार को ऐसी और कोई घटना ना हो तो नहीं, क्लियर कट सीधा सा मैसेज है, फोर्स डिप्लॉय थी, लोगों को समझाया गया, ऑलरेडी पहले से फोर्स थी। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, लेकिन अगर कोई भी जबरदस्ती या गैर परंपरागत या जिद करने की कोशिश करेगा तो हम उसको कठोरता से निपटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, UP तक।